बॉक्स। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बूम बॉक्स पर। मैं हूँ पूनम बजाज, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ झटपट तैयार करने वाला कच्चे आलू का नाश्ता। मैंने यहाँ आलू लिए हैं 5-6 जो मीडियम साइज के हैं, और मैंने इनको पहले से छील कर रेडी कर लिया है। और इनको अब कद्दूकस, इस तरह से कद्दूकस करना है। ये मैंने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उस पर कॉटन का कपड़ा इस तरह से बिछाएंगे और ये ग्रेट किए हुए आलू इसमें डाल देंगे। ये आलू को हमको ड्राई करना है, ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस तरह इसको अच्छे से निचोड़ेंगे जिससे ये ड्राई हो सके। और ये निकला हुआ पानी हम फेंक देंगे। ये ड्राई किए हुए आलू हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और ये ग्रेट करी हुई चीज़ डालेंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं ग्रेट करके। मैंने अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। अब मैं इसमें 2 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच छोटी ओरिगैनो डालूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डालूंगी। ये मैंने 2 चम्मच अरारोट पाउडर डाला है। आपके पास अगर नहीं है तो आप चावल का पाउडर, चावल का आटा डाल सकते हैं। और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अब इनकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। मैंने इसको कटलेट का शेप दिया है। आप इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये मैंने सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, जो मैंने ब्रेड मिक्सी में डालकर इसको पीस कर रेडी कर लिया था। और मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसी तरह सारे कटलेट पर मैं ब्रेड क्रम्स लगा लूंगी। ये कटलेट इस तरह से रेडी है। अब ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके ऑयल में डालूंगी। इनको धीरे हाथ से ही ऑयल में छोड़ना है। अब इनको हल्के हाथ से सेकना है। हल्का सा सेक जाए तो आप उलट पलट करके सेक सकते हैं। इस तरह से इनको सेकना है हल्के हाथ से। आपके यहाँ गेस्ट आ जाए तो आप इसको तुरंत बना के खिला सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। देखिए मेरे कटलेट रेडी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे कटलेट सेक लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।